हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए मृदु ऑक्सीकरण कर्मक का प्रयोग किया जाता है। उन ऑक्सीकरण कर्मकों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो है आपका ऑक्सीकरण कर्मक, मृदु ऑक्सीकरण कर्मक है जो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करता है, वह है आपका टालेन अभिकर्मक। ठीक है, तो टालेन अभिकर्मक क्या होता है और टालेन परीक्षण क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखें ध्यान से, टालेन परीक्षण, एल्डिहाइड को ताज़ा बने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। ठीक है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यह जो ताज़ा बना हुआ अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन है, इसमें एल्डिहाइड को मिलाते हैं और मिलाने के बाद गर्म करते हैं। ठीक है, जिससे सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट रिडाइन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यह अभिक्रिया क्षारी माध्यम में संपन्न होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का पता करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, टालेन अभिकर्मक का। तो टालेन अभिकर्मक किसे कहेंगे, ताज़ा बने हुए अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड को मिलाएंगे, उसके बाद इसको गर्म करेंगे, जिससे सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड जो है वह संगत कार्बोक्सिलेट रिडाइन में ऑक्सीकृत हो जाता है और यह अभिक्रिया क्षारी माध्यम में संपन्न होती है। ठीक है, इससे एल्डिहाइड की पहचान हो जाती है। तो यह आपका एल्डिहाइड है RCHO। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, ताज़ा बने हुए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन से। ठीक है, यह आपका सिल्वर AgNH3+3OH-। ठीक है, यह विलयन में रहेंगे, इससे एल्डिहाइड इसमें डालेंगे और गर्म करेंगे, जिससे आपका कार्बोक्सिलेट रिडाइन बनेगा। ठीक है, RCOO- कार्बोक्सिलेट रिडाइन बनेगा, सिल्वर दर्पण बनेगा। ठीक है, 2Ag चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाएगा, जल और अमोनिया बनेगा। ठीक है, इसके द्वारा सिल्वर दर्पण के बनने के कारण हम जो है यह जान जाएंगे कि दिया गया विलयन क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड को पहचानने के लिए टालेन अभिकर्मक का यूज किया जाता है। ठीक है, यह घटना टालेन परीक्षण कहलाती है। इसमें आपने देखा टालेन परीक्षण में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए टालेन परीक्षण किया जाता है। अगर एल्डिहाइड है तो सिल्वर दर्पण बनता है। ठीक है, जिससे आपको एल्डिहाइड की पहचान हो जाती है और कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलेट रिडाइन में ऑक्सीकृत हो जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो आपने देखा टालेन परीक्षण में एल्डिहाइड को ताज़ा बने हुए अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करते हैं। ताज़ा बना हुआ अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है, टालेन अभिकर्मक कहलाता है। इसके साथ एल्डिहाइड को गर्म करते हैं, जिससे सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड जो है वह संगत कार्बोक्सिलेट रिडाइन में ऑक्सीकृत हो जाता है और यह अभिक्रिया क्षारी माध्यम में संपन्न होती है। ठीक है, यह था आपका टालेन परीक्षण के बारे में।